चले रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुछ ही देर में शुरू होगा, सत्र विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से आ रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री तुलसी सिलावट जी, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस कल से लेकर आज तक बात कर रही है, सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम मुद्दों की बात कर रही है, कारम डैम की बात कर रही है, या अभी भी कारम डैम के मुद्दे को गरमाने की बात कर रहे हैं, इनको नींद में भी सत्ता दिखती है। क्या दिखती है? जो सत्ता चली गई ना, क्योंकि ये ऐसे कृत नहीं करते। सरकार गिरती क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं, वो विकास और प्रगति की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, समाज के हर वर्ग की बात करता है। उसका उस विचारधारा का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है, उसको लेके सूचना दे दी गई है। इस समय अविश्वास प्रस्ताव क्या है? चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश? ये चुनाव देख के तो जागृत होते हैं। हर अविश्वास प्रस्ताव का जो आरोप है उसका एक एक बिंदु का जवाब दृढ़ता के साथ हमारे ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरी सरकार देगी, क्योंकि चुनाव दिखते हैं तो ये जागृत हो गए। इतने दिन से क्या कर रहे थे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कर रहे थे? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सवाल ही नहीं लगाए हैं तीन सत्रों से, एक भी प्रश्न ही नहीं है उनका। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं सोचता हूँ कि संसदीय का अनुभव हम सबसे ज़्यादा है। हम तो कोशिश करते हैं कि उनसे सीखें संसदीय ज्ञान। अब वो उनका सोच उनका विचार क्या है विधानसभा के प्रति, ये उनसे बेहतर तो कोई नहीं बोल सकता। एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल वही समय आ गया है जिस समय कमलनाथ सरकार गिरी थी, कभी आप लोग रिमाइंड करते हैं तो क्या होता है, किस कारण गिरी थी, ये कभी याद आता है कि कौन व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा दोषी? सुनो, आपको याद होगा एक वचन पत्र तैयार किया था 2018 में, उसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, परम सम्मानित ज्योतिराज सिंधिया जी थे। वचन पत्र में सबसे पहला संकल्प था वचन कि हमारी सरकार 2018 बनी तो किसानों का कितना भी कर्ज हो 2 लाख का माम हम कर देंगे 10 दिन में, नहीं हो तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह का लोन माफ करेंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, अतिथि विद्वान अतिथि, ये इन सारे मुद्दों को लेकर सिंधिया जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, इसलिए सरकार गिरी सर। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि करम डैम के मामले में, जो कि खुद मंत्री तुलसी सिलावट जी का विभाग है, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सोती रहती है और अचानक उन मुद्दों पर बात करती है जो खुद विलुप्त हो चुके होते हैं। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू होने वाला है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कुछ ही देर बाद ये सत्र शुरू होने जा रहा है और कई सारे मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी और फैसले भी लिए जाएंगे। परीक्षण में क्या दिक्कत है? परीक्षण कराना चाहिए, करा लो, उसमें क्या दिक्कत है? परीक्षण करा, हिंदू बच्चों का मदरसे में पढ़ाई? नहीं नहीं, देखिए ये उनके माँ बाप पर निर्भर करता है, वो बच्चों के जो माँ बाप हैं वो जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मदरसों में क्या पढ़ाई करेंगे? मुझे क्या पता, मैं कभी गया नहीं। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक और चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में, आप लोग कैसे सरकार को घेरने वाले? अब ये कुछ विधेयक आए हैं उन पर चर्चा होगी और हमारी पार्टी ने तय किया है और नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह जी, वो इस बारे में आपको बताएंगे। आप विश्वास प्रस्ताव लेके आने वाली है, किन किन मुद्दों को आप क्या मुद्दे मानते हैं प्रदेश में जो सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस लगातार इस मिशन 2023 की तैयारियों में भी लगी है। बहुत सारे मुद्दे हैं,
15-18 साल से जो शासन, जो पार्टी शासन में है, उसके खिलाफ तो बहुत सारे मुद्दे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और आएगा और उस पर चर्चा होगी। किसान, आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो किसानों से, किसान ग्रामीण क्षेत्र है ज़्यादातर, तो किसानों को जो खाद और बीज का मुद्दा है उसको आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें एक किसान तो खाद की लाइन में लगे लगे उसके किसान की मृत्यु हो गई और उसको मुआवजा नहीं मिला अभी तक। तो ये कई वर्षों से हम देख रहे हैं, किसान खेत लाइन में लगे रहते हैं खाद लेने के लिए और वो जो इसकी मृत्यु हुई है, वो कलेक्टर को मैंने लिखा कि इसको 4 लाख रुपए दो, तो वो कह रहे हैं कि ये खेत पे मृत्यु नहीं हुई है इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा। अरे, लाइन में लगा है खाद की, उसकी मृत्यु हो गई, उसके लिए कोई राशि नहीं है। तो ये बहुत गंभीर बात है, ये सारे मुद्दे उठेंगे विधानसभा में, ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि किसान एक अहम मुद्दा है और उसको लेकर वो सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। कैमरामैन गणेश के साथ INS 27 के लिए राजा दिनेश शुक्ल है। इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। बीजेपी कह रही 2013 में जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रजातंत्र का गलत होती है। 2013 में लाए थे, एक हमारे सदस्य ने मान ले धोखाधड़ी करके भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली, तो क्या मैंने उस समय उठाया था कि भाई एक सदस्य, बाकी के हम लोग तो हैं, हम बहस को तैयार हैं, एक सदस्य अगर सत्ता पक्ष की पैरवी करने लगा तो क्या हमारा हक समाप्त होता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला गुल्ला करके प्रस्ताव रखकर अनिश्चितकालीन विधानसभा स्थगित करा दी। अब तानाशाही है तो इसमें प्रजा संविधान में हटा दें, संविधान की धज्जियां उड़ा दें। तो आप एकजुट रहेंगे आप लोग? आपको दिख जाएगा सामने, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं चला पूरे अपने पूरे 5 दिन तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? 5 दिन कांग्रेस क्या करेगी, विरोध करती रही करेगी। सर इंदौर में एक मामला सामने आया, बिना जानकारी के बिना कोई जवाब नहीं देगा। 2013 अभी तो अभी आप देख लेना, जब सदन चलेगा तो आपको आ जाएगा क्या है। एकजुट लग रही सर कांग्रेस, मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सार पे सरकार की अफवाह चलाई जाती है। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता कांग्रेस के हम लोगों के कमलनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुट है, एक नेता है, एक विचार है। सर तैयार तो मैं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस में बहुत बड़ी फौज है, ऐसा इतना कांग्रेस कमजोर नहीं है कि दिग्विजय सिंह हमारे नेता लड़ने के लिए उम्मीदवार न बने।